हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यही क्वेश्चन जो है 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का पूछा गया है। एक में कुछ कहानी सी बनाई हुई थी, स्टोरी सी कुकअप की हुई थी और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से समझना। इस तरीके से जब आप कुछ चैप्टर पढ़ते हैं उसको इवैल्यूएट करना दैट वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पर कुछ इमेजेस ली गई हैं जिससे जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बेनिफिट जो है ब्राइब वगैरह या पुअर एडमिनिस्ट्रेशन को शो कर रखा है फर्स्ट स्टेज में। दूसरे में यहाँ पर ये बेनिफिट्स हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस बेनिफिट्स लेके बैठे हैं, यहाँ पर पुअर जो है बैठा हुआ है और बीच में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीपल कि ये पुअर पर्सन जो है इस चीज का बेनिफिट ले सके। कुछ इस तरीके के इमेजेस भी यहाँ पर दी हुई हैं जो कार्टून काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है। जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं दोज हु आर द पॉलिसी मेकर्स, दोज हु आर डिसाइडिंग द पॉवर्टी लाइन, कहते हैं लोअर इट, लेट द पुअर फॉलो। इस तरीके से कुछ अबाउ इट्स और समथिंग लाइक थोड़ा सा और वो नीचे कीजिए पॉवर्टी लाइन को सो दैट ये पुअर लोग जो हैं वो ऊपर आ जाएं। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की चीजें बताई हुई हैं। सम पुअर पीपल आर सिटिंग हियर, दे आर सेइंग दे आर डिस्कसिंग वेयर टू ड्रॉ द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन कहाँ ड्रॉ की जानी चाहिए। सो ये कार्टून ये बता रहे हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज पीपल। हम एक अलग ही लेवल पर आके और पॉवर्टी लाइन वगैरह डिटरमाइन करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आई शुड से। तो इसके सबसे पहले अगर मोटे मोटे दो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं दैट द परसेंटेज ऑफ लाइक द परसेंटेज ऑफ पुअर डिक्लाइंड कंसिडरेबली, जो डिक्लाइन 48% इन 1979 280 से 21.9 2011-12 में हो गया। तो करेंटली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉवर्टी वी ऑलवेज टॉक अबाउट 21.9% पुअर इन द वर्ल्ड, सॉरी इन इंडिया नॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने पुअर है उसका 50% इंडिया में है। वेज रेट्स हैव इंक्रीज्ड, जो वेज रेट है इंडिया में वो इंक्रीज हो गया, पॉवर्टी का रेट जो है डिक्रीज हो गया, वो परसेंटेज ऑफ पुअर जो है वो डिक्लाइन हो गया, यू कैन से दिस थिंग। तो ये दो ही पॉजिटिव बातें हैं यहाँ पर, इन दोनों का एक ही मतलब है। दूसरी ये है, एक में एक एक्चुअल स्टेटमेंट है, दूसरे में क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है और वेज रेट्स इंक्रीज हो गए, दैट्स अ गुड थिंग। इसके बाद सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ इट। पहली चीज लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि फंड्स अवेलेबिलिटी विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास फंड्स बहुत कम थे, आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कशन करेंगे। इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ड्यू टू करप्शन, पीछे इमेजेस दिखाई हैं आपको, लैक ऑफ फंड्स एटसेट्रा, इग्नोरेंस ऑफ द टारगेटेड पुअर सेक्शन, जिसके लिए पॉलिसी बनाई है उसी को इग्नोर कर दिया, अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, difficult for administration to reach government programs to reach the poor living in remote areas. तो जो remote areas तक लोग रह रहे हैं उनको पता नहीं है, उनको खबर नहीं है, बेखबर हैं वो लोग, they don't have any information about the initiatives of the government that what benefits they are supposed to get, क्या क्या benefit वो get कर सकते हैं उनको इसी चीज का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। तो इस तरीके की कुछ negative aspects हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। Inefficient administration and monitoring of welfare schemes, जो welfare schemes हैं उनकी monitoring proper तरीके से नहीं हो पाती, welfare schemes जो हैं उनका administration effective नहीं है, and that's the point where Indian economy is lagging behind, बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं जब हम बात करते हैं administration की Indian economy के context में। This gave in below expectation result, इसकी वजह से जो result आया वो below expectation से। There was no one to follow up these schemes or take feedback on proper implementation of welfare programs ki logon se pucha ja sake kya unhe ye benefit mil rahe hain aaj ke time mein, thanks a lot to direct bank transfer DBT ka shukriya aaj ke time mein ki iski wajah se aaj jitne bhi benefits mil rahe hain wo logon ko bank account mein mil rahe hain,
उनके खुद के बैंक अकाउंट में मिल रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग दोज बेनिफिट्स डायरेक्टली, चाहे वो गैस सब्सिडीज हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आधार कार्ड से लिंक करवा के और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें डायरेक्टली बैंक में मिल रहे हैं थैंक्स टू जनधन योजना, कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दोज इन चार्ज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फेवर्ड देयर नोन। इंडिया में ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अपने नोन और रिलेटिव्स को जो है फेवर किया टू बी बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, दोज हु वर रियली इन नीड कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दीज स्कीम्स, और जो एक्चुअली जिन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको बेनिफिट ही नहीं मिला। तो ये इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। दीज प्रोग्राम्स वर अफेक्टेड बाय करप्शन, करप्शन की वजह से भी अफेक्ट किए गए। दोज हु डिडंट डिजर्व, यानी कि नॉन पुअर, द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम्स टुक एडवांटेज ऑफ इट, जो ऑलरेडी नॉन पुअर है देवर के टेकिंग द एडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ स्कीम्स। मेनी बेनिफिशियरीज रियली पुअर ऑन रिकॉर्ड डिड नॉट रियली एग्जिस्ट एंड देयर बेनिफिट्स वर बीइंग डाइवर्टेड टू द करप्ट इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडर्स। जिन लोगों को जो बेनिफिशियरी दिखाया गया था, कुछ तो ऐसे लोग थे जो ऐसे दिखाया गया था, प्रेजेंट किया गया था दैट दे वर रियली पुअर, बट उनके जो बेनिफिट्स, वैसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ऐसे। इस तरीके की पॉलिसीज जो है एमजी नरेगा में बहुत ज्यादा जो है हुई थी। क्या हुआ था एमजी नरेगा में, भाई एक नाम, एक गांव है, गांव के अंदर मान लीजिए नाम है किसी का लक्ष्मण प्रसाद, और लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण पी, लेट्स से राम नारायण, ये करके ऐसे करके दो चार लोग हैं। अब इनका जॉब कार्ड बनाया हुआ है, इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, बट यू नो यू विल बी लाफिंग आफ्टर कमिंग टू द कंक्लूजन, आफ्टर द कंसिक्वेंस। इस नाम के बंदे जो है वो आज से 10 साल पहले गांव में एक्सपायर हो चुके हैं, उनके भी जॉब कार्ड बनाए हुए हैं। द क्वेश्चन अराइजेस हियर, तो उनका बेनिफिट कहां डाइवर्ट हो रहा है? नाउ आपको भी पता है उसका बेनिफिट कहां डाइवर्ट हुआ, मुझे भी पता है उसका बेनिफिट कहां डाइवर्ट हुआ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू कैन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। इस तरीके की चीजें होती हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे स्कूटर पे गाय को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दिया जाता है ऑन डॉक्यूमेंट। जब ये बोला जाता है कि इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, कहां पर हुए, तो भाई गाय वगैरह को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट किया, उसके अंदर हो गए। जब चेक किया तो पता लगा जो गाड़ी का नंबर दिया हुआ है वो एक स्कूटर का नंबर था। ऐसी चीजें इंडिया में ही हो सकती हैं। द स्कीम कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन रिमोट एरियाज ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। रिमोट एरियाज में दूर दूर तक, जहां ये पॉलिसीज जानी चाहिए थी, जहां पर एक्चुअल पुअर लोग थे, उन तक ये पॉलिसीज नहीं पहुंच पाई। ऑल्सो पीपल इन रिमोट एरियाज हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सच स्कीम्स, उनको इन ऐसे सारी स्कीम्स के बारे में पता भी नहीं था। तो एक तो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा नहीं है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्कीम्स कॉम्प्रेहेंसिवली। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे जिनको बोला गया था कि आप क्रेडिट दीजिए, अगर आपके पास कोई आता है तो, कोई पुअर आता है तो क्रेडिट दीजिए उसको, छोटा मोटा क्रेडिट दीजिए, दे वर नॉट इन फेवर टू गिव लोन्स टू द पुअर पीपल। बैंक्स वर रिलक्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंस बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बैंक को लग रहा था मेरा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मेरा बैड डेट बढ़ जाएगा, यानी कि रिस्क है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मैं डेट दे रहा हूं ये बैड हो जाए, यानी कि पैसा लेके भाग जाए, पैसा ना दें, तो इससे बेटर है पैसा दो ही मत। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन ये छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बताई है अभी यहां पर, जो पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो क्रिएट करती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी जाती टाइमली, तो मेरे ख्याल से इस तरीके का कोई इश्यू, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, देखने में छोटी हैं, बोलने में छोटी हैं, लेकिन अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो जो बहुत नीडी पीपल हैं उनके लाइफ पे इनका इम्पैक्ट आपको देखने को बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो बेनिफिट जो है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक नहीं पहुंचे, लोग अवेयर नहीं थे, फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से पॉवर्टी के जो प्रोग्राम्स थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, वो इतने इफेक्टिव जितने डॉक्यूमेंट पर थे उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए, एंड पॉवर्टी जो है इंडिया में एज इट इज बन के रह गई। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए, मैंने आप लोगों को समझाए। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने हैं, आप कार्ड सेक्शन पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप बाकी वीडियोस के लिंक्स को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। बाकी अगर डाउट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।